नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं ओलंपिक आल रहा। तो खैर, आज मार्केट ने 11,000 के लेवल को तोड़ तो दिया, लेकिन कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह से 11,000 को बचा के आज क्लोज कर दे, क्योंकि कल जब आपके सामने हम होंगे तब वित्त मंत्री अपना भाषण कंप्लीट कर चुके होंगे और बाजार पूरा रिएक्शन भी शायद दिखा भी चुका होगा। तो ठीक, आज रणनीति बनाइएगा, इस एक घंटे के साथ किसको छोड़ना है, किसको लेके जाना है, ये समझने का दिन हो जाएगा। एक घंटा लास्ट का ट्रेड बहुत अहम रहेगा। खैर, आज एक अहम खबर अभी आ रही है, वह है 40 से जुड़ी हुई। आज वैसे भी फार्मा कंपनी से चली नहीं रही थी, 40 पे खबर यह आ गई है कि सिंह बंधुओं को 3500 करोड़ रुपया देना होगा डाइची को। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, 3513 करोड़ रुपए के दावे पर चल रहा था ये मामला, तो वर्डिक्ट अभी आया है। तो ये एक डाइची का मामला है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको गलत तरीके से कंपनी के साथ डील की गई है और उन्होंने मुआवजे के तौर पर ये रकम मांगी है। तो रेनबैक्सिस होने से जानकारी छुपाने का जो मामला था वो अब सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट के तौर पर आया और सिंह बंधुओं को अब 3500 प्लस करोड़ रुपया देना होगा। खैर, इनकी एक डील की बात अभी भी चल रही है मॉरिशियस की एक पार्टी के साथ, पहले भी टूट गई थी इसी डाइची की एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन अब ये जो वर्डिक्ट आया तो शायद इससे और पुख्ता हो जाएगा, शायद इनकी डील अब जल्दी जल्दी शायद ना हो और 3500 करोड़ रुपये का एक और बर्डन आया है। खैर, इसमें समय अवधि देखनी होगी कि कब तक देना है, किस रूप में देना है, स्टे ले सकते हैं नहीं ले सकते, लेकिन फिलहाल 40 के लिए थोड़ी सी मुश्किल। शेयर 3.5% की गिरावट के साथ में है। जी हाँ, बिल्कुल, नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ ही नुकसान बाजार में भी देखने को मिल रहा है। करीब 60 पॉइंट नीचे निफ्टी फिर से एक बार दिन के निचले लेवल के पास इस समय जाते हुए, और आज जो हमारी बात हुई थी वो भी यही थी कि देखिए, जो 11,000 से 10,980 का दायरा है वो मार्केट के लिए क्रिटिकल है। आज मार्केट ने जो सपोर्ट सुबह से जब ये वीक होना शुरू हुआ तब जो लिया था वो भी 10,980 के पास ही लिया था, अब फिर से एक बार उन लेवल्स के आसपास जा रहा है। तो ये एक तो 11,000 के नीचे की क्लोजिंग 10,980 के आसपास जाकर टिकना, ये मार्केट को एक बहुत ही थिन विकेट पर खड़ा कर देगा कल बजट से पहले। और अभी तो एक घंटा बाकी है मार्केट बंद होने में, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज इस समय मार्केट की ब्रेथ क्या है, क्योंकि मिड कैप्स में आज भी नुकसान देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप्स में भी यही हो रहा है, और ये अब नाउ यू कैन कॉल दिस करेक्शन लिटिल सीवियर, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हम सोमवार से देख रहे हैं। आज भी आप देखिए मार्केट की ब्रेथ को, एनएसई पर देखिए जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 3 गुना है बढ़त वाले काउंटर्स के मुकाबले, बीएसई पर डबल से ज़्यादा है, और निफ्टी और सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या डबल है। तो जो यही था एक्चुअली परसों के ट्रेड में हमने ये देखा था सोमवार को कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कन्विक्शन बहुत कम था, प्रेशर बना हुआ था, कल वो लार्ज कैप में स्प्रेड हुआ, और आज भी अब देखिए अपसाइड कितनी कैप्ड रही है, निफ्टी 11,050 के ऊपर होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, जब जब ये वहाँ पर गया है इट हैज़ रन इनटू प्रॉफिट टेकिंग। इसीलिए हमने आज सुबह व्यू भी रखा था कि अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो भी 11,100-11,200 के आसपास आपको सेलिंग मिलेगी मार्केट में, जो कि हो रही है इस समय। बिल्कुल, सेलिंग मार्केट के दिख भी रही है। खैर, ज़ी बिज़नेस ने तो पूरी तैयारी कर रखी है कल के इवेंट की, और ये इवेंट आपको 100 बड़े चेहरों के साथ आपको दिखेगी और ये लगातार आपको कवरेज दिखेगा। हिंदी में वित्त मंत्री का भाषण होगा, साथ ही साथ एनालिसिस भी होगा, 4-4 टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, बाजार मोदी सरकार के मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और 100 बड़े चेहरों के साथ हम उतरेंगे, ताकि आपको ये बजट आपसे क्या जुड़ा हुआ है, आपकी जेब में क्या आ रहा है, आपकी जेब से क्या जा रहा है, इसको बहुत ही आम और सरल भाषा में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। खैर, मार्केट के अंदर आज का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मयूरेश जोशी मेरे से जुड़ चुके हैं। मयूरेश, कल के LTCG और STCG के डर के साथ हम बजट के अंदर एंटर कर रहे हैं, कल का कितना बड़ा स्विंग आप देखते हैं, STCG LTCG आ गया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा? आफ्टरनून डिम्पी जी, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एप्रीहेंशन है LTCG को लेके मार्केट में, आई थिंक एक वैलिड एप्रीहेंशन है, क्योंकि अगर आता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स में एक जो हम सेल ऑफ देख रहे हैं आज की तारीख में वो शायद इंटेंसिफाई हो सकता है, बट किस मोड में आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ये लाते हैं आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर एलोंगेट होता है टाइम पीरियड टू 2 years 3 years एंड एट द सेम टाइम जो STT निकालना बहुत ज़रूरी होगा एट द सेम टाइम, आई थिंक वो मार्केट्स के लिए अहम होगा, एंड दैट वी शुड नॉट कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्पेयर फॉर द मार्केट्स। एट द सेम टाइम अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ LTCG एटलीस्ट इन दिस बजट, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पाइट रैली हमें ज़रूर देखने मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सोल फोकस यही है इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स ऑल्सो कि LTCG के साथ क्या होगा। तो अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली देर विल बी अ रिस्पाइट रैली इन द मार्केट, अगर आता है तो आई थिंक किस मायने में आता है उस पर डिपेंड करेगा, बट आई थिंक यस एक थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में जरूर दर्शाई जाएगी।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, खैर इसको हम और भी समझेंगे। बाजार बंद होने के बाद भी आप एसटीसीजी और एलटीसीजी को लेकर हमारी कवरेज देख पाएंगे, ताकि कल जब बजट की स्पीच चल रही होगी तो आपको उसका पूरा आकलन हो जाए कि आखिरकार एलटीसीजी और एसटीसीजी बाजार के लिए क्यों अहम है, क्यों बार बार बाजार के जानकारी से एलटीसीजी और एसटीसीजी पे आके रुक रहे हैं। खैर इससे थोड़ा बाहर निकल के आते हैं और मार्केट का आज का मोमेंटम पे वापस नजर डालते हैं। मीर, आज सिर्फ रिलायंस को छोड़ दिया जाए तो कोई और बड़ा शेयर मार्केट को सेव करने के लिए आया ही नहीं है। वो आया ही नहीं है, और रिलायंस 1% ऊपर है। वो अगर नेगेटिव होता तो जो क्रिटिकल लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे 10,980 के आसपास, उसके भी नीचे होता इंडेक्स। एंड टू दैट एक्सटेंट इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि इससे क्या है, जो क्रिटिकल लेवल है आपका 10,980 के आसपास का, उसे मार्केट ने किसी तरह होल्ड कर लिया है। तो ये वेट एंड वॉच मोड में मार्केट कल के बजट में जा रहा है। जो पीक था वहां से अपने आप को थोड़ा इसने लाइट कर लिया है। सो टू दैट एक्सटेंट जो रिस्क एवर्जन है जिसके हम बात कर रहे थे वो मार्केट में दिखा है। अब कल एक नया दिन है, बड़ा दिन है, मार्केट इसमें कोई जिसे हम कहते हैं ना एक बोल्ड बेट लेना नहीं चाहता है इस टाइम पे, क्योंकि वाकई थोड़ा कंफ्यूजन है एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर। सरकार की कमेंट्री जो है वो तो यही इंडिकेट कर रही है कि अगर नहीं आता है एलटीसीजी तो भी हो सकता है कि शायद कुछ रोड में पाए या तो उसके बारे में कुछ कहा जाए, तो वो क्या होगा इसी पर सबकी नज़र बनी हुई है। जय हमारे साथ अब मौजूद हैं और साथी गौरांग भी हमारे साथ बने हुए हैं। जय, आज के लिए कम से कम ये जो 10,980 के आसपास का लेवल है उसे अब तक तो रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, पर आप इंडेक्स की ब्रेथ देखें, आप ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ देखें, दैट करेक्शन हैज कंटिन्यूड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। हाय, गुड आफ्टरनून मीर, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रॉडर मार्केट की हालत तो इनफैक्ट मीर आज नहीं, लगभग मैं कहूँगा एक हफ्ते से वीक है। जो हिसाब से निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन देखने मिला है, लगभग 7-8% इंडाइसेस डाउन है। आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में तो करेक्शन शुरू हो चुका है। एज यू एंड डिम्पी राइटली सेड कि जो रिलायंस ने आज मार्केट टिका के रखा है, साथ ही साथ HDFC ट्विंस ने भी आज अच्छा सपोर्ट किया है मार्केट को, उसके कारण हमें थोड़ा बहुत यू नो मार्केट स्टेबल होते हुए नजर आया। 980 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, अदरवाइज तो जो हिसाब से हाई लेवल से करेक्शन स्टार्ट हो गया है स्टॉक्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें मीर, तो मैं तो ये कहूँगा वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो गोइंग फॉरवर्ड टू यू नो हमें करेक्शन या ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है 10,800 तक। उसके नीचे तो मैं नहीं देख रहा, बट 10,800 ऑन द इमीडिएट बेसिस देखने मिल सकता है, जब तक 11,100 के लेवल्स ऑन द अपसाइड नहीं निकलते। अभी गुरांग का व्यू भी लेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मैं कुछ एक ऑप्शंस का डाटा भी आपके सामने रख दूं, ये काफ़ी हद तक आपकी दिशा को तय कर सकता है। एक बार 11,000 की कॉल और 11,000 की पुट, अब जरा दोनों दिखाएं, क्योंकि इस कॉल पुट से काफ़ी हद तक यहाँ का जंक्शन पता लगेगा कि हम कितने इसके आसपास रह सकते हैं। अभी तक का सिनेरियो तो ये कहता है कि 11,000 की कॉल के अंदर थोड़ी राइटिंग होना शुरू हुई है, ये ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस रख नहीं रहे, रख भी रहेंगे तो शायद बजट की स्पीच सुनने के बाद, क्योंकि आज फिर से सेलिंग हुई है। और रही बात पुट्स का एक्युमुलेशन का, वो भी उतना एग्रेसिव नहीं है। ये कॉल 22% टूट गई, 40% का ओपन इंटरेस्ट, और अगर आप पुट डालेंगे 11,000 की तो यहाँ पे 6% का प्रीमियम, यानी कि पुट में ज़्यादा एक्युमुलेशन नहीं लेकिन कॉल राइटिंग हुई है। तेजी के सौदे थोड़े बुक हो रहे हैं, प्रॉफिट बुक करके सिस्टम से बाहर बैठने में लोग ज़्यादा समझदारी इस समय दिखा रहे हैं कि 11,000 पे हमको ये करना है। अब जरा डीप आ जाते हैं, झटका लगा तो 10,500 तक आएंगे, वहाँ के ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, उस पुट को लेकर क्या हो रहा है, जरा 10,500 की पुट दिखाएं, इस पुट से काफ़ी हद तक आंकलन लगेगा कि इस समय का ट्रेड कैसे बनता हुआ दिख रहा है। 10,000 की पुट के अंदर एक्युमुलेशन तो है लेकिन बहुत कम, बेहद कम है, इसलिए कल ही ये पता लगेगा कि एसटीसीजी एलटीसीजी को लेकर या फिर और गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार का रुख क्या है। अभी तक ट्रेडर्स ने कोई मन नहीं बनाया हुआ 10,500 को लेकर, कोई मन नहीं है 11,200 को लेकर, 11,200 की कॉल भी आप दिखाएं, यहां पर भी ट्रेडर्स का मन नहीं है, ट्रेडर्स रुका हुआ है, वेट एंड वॉच है। कल शायद 4 घंटे में पता लगेगा मीर कि हम 11,200 जा रहे हैं, 10,500 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, टू बी प्रिसाइज, अभी 20 घंटे हैं, 20 घंटे बहुत होते हैं अभी तो, उसके बीच में US मार्केट्स खुलेंगे, वहां पर पता नहीं क्या होगा। लेकिन गौरांग, ये मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्चुअली जो फ्रॉथ बजट के पहले निकल गया वो एक तरीके से अच्छा भी है थोड़ा। अगर वो उसी हैवी पोजिशन के साथ मार्केट बजट में अगर जाता तो वो, इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने इसकी बात भी की थी, बिकॉज वो थोड़ा चिंता लग रही थी देखकर, क्योंकि उतनी हैवी सेंटिमेंट के साथ मार्केट बजट में जाता तो स्कोप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाता। लेकिन अब क्या है, ऑलरेडी बिकॉज करेक्शन होना शुरू हुआ है, स्टॉक्स हमने देखे हैं मिड कैप में 10-10, 15-15, 20-20% गिर रहे हैं एक एक दिन में, टू दैट एक्सटेंट जो ओवर हीटिंग थी मार्केट में वो कंट्रोल हुई है। श्याम,
शुक्रिया मिहिर और गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से। तो मेरा है, मेरे जहाँ तक मेरी समझ में आता है, ये अंदेशे आपको पिछले 2 या 3 हफ्ते से बाजार के स्क्रीन को देख करके मिल रहे थे, क्योंकि आपकी जो मार्केट ब्रेथ, बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की संख्या, वो गिरने वाले की फेवर्स में ज़्यादा थी। और ये तब भी थी जब मार्केट ऊपर के तरफ भी जा रहा था, क्योंकि दिग्गज आगे जा रहे थे। अगर आप आकलन लगाए, पिछले साल का जो रिटर्न मिड कैप ने दिया है वो करीबन 45%, माइक्रो और स्मॉल कैप में उसी स्तर पर या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा दिया। फ्रंट लाइन ने आपको जो रिटर्न खड़ा करके दिया वो 28% का था, और बैंक निफ्टी ने करीबन 40% का। तो ताजुब नहीं होना चाहिए इस तरह की गिरावट अगर यू नो ब्रॉडर मार्केट्स मझौले छोटे शहर में आती है। और इतिहास गवाह है मीर, ये भी है हकीकत कि गिरावट जब भी आती है वो दरवाजा खटखटा के नहीं आती, एकदम से आ जाती है और आपको 5-10-20-15-20% का गिरावट देखने मिलता है। मेरा ये कहना होगा इस पर्टिकुलर स्तर पर कि आप उन सब कंपनियों में ध्यान दें जहां पर नतीजों के आधार पर आपको कन्विक्शन है, आपको भरोसा है और मैनेजमेंट अपनी रणनीतियों को लेकर के काफ़ी सक्षम है। उन सब कंपनियों में आपको ध्यान देना चाहिए जहां तक मिड कैप का सवाल है। स्मॉल कैप में अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट करती है तो शायद ये गिरावट और भी तीव्र हो सकती है। ठीक है, जिस गिरावट की और जिस मिड कैप की या थकान की या फिर प्रॉफिट बुकिंग की हम बात बोल रहे हैं ना, आपको वक्रांगी से दिख जाएगा। ये शेयर 29 तारीख यानी कि आज से सिर्फ 48 घंटे पहले 500 रुपए का था, आज का लोअर सर्किट पे है। ये शेयर अभी आपको मिल जाएगा 364 रुपए पे। इस पे सिर्फ सेलर ही सेलर है, ये सेलर फ्रीज है, बायर कोई है ही नहीं आज इसमें। ये है मिड कैप का फ्लेवर। 2 दिन के अंदर ही ये शेयर कहां से कहां पहुंच गया, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। मार्केट भले इंडेक्स 2 दिन में कुछ नहीं किया, 11,000 तो है, लेकिन वक्रांगी का शेयर 500 वाला 364 आ गया। जय, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये वक्रांगी 2 दिन से टूट कर आज लोअर सर्किट पे खड़ा है, कल फिर से ट्रेड होगा, फिर से नीचे जाएगा? वेल डिम्पी, आईटी स्टॉक्स मैं 2-3 महीनों से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, मगर मैंने कभी वक्रांगी का जिक्र नहीं किया। वक्रांगी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कभी गिरावट आई नहीं और ये लगातार ऊपर की तरफ अच्छे ट्रेंड में चलता ही रहा, उसके कारण से वो ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। और वो ओवरबॉट टेरिटरी में कोई भी स्टॉक ऐसा ट्रेड करता है जिसके यू नो RSI और MACD लेवल्स एकदम हाई हो जाते हैं, आई थिंक वो स्टॉक से दूरी नहीं चाहिए। और ये पहला एक फॉल आया है और वहाँ से रिवर्सल देखने मिला डिम्पी, तो मेरा ये मानना है कि जो अभी रिसेंट हाईज हमें लाइफ हाईज देखने मिले थे वक्रांगी में, वो इमीडिएट बेसिस पर नहीं देखने मिलेंगे। 480-500 के जो लेवल्स देखने मिले थे वो, हैंस एनी बाउंस दैट कम्स इन वक्रांगी उसमें से एग्जिट करने की मिली सलाह। और काफ़ी अच्छे बेहतरीन IT स्टॉक जो मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ, परसिस्टेंट इंडिया है, इनोटेक महिंद्रा है, वो सारे स्टॉक्स में इनकेस अगर कोई ट्रेड भी करे या निवेश करे तो आई थिंक बेहतर है कम्पेयर टू वक्रांगी। गौरांग, आज एक्चुअली जो रिलीफ है वो थोड़ी बैंकिंग स्टॉक्स को देखकर लग रही है, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चले नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है, एंड स्पेशली इफ़ यू लुक एट स्टॉक्स लाइक ICICI या फिर SBI। लेकिन एक डर ये भी लगता है कि एक तो कोई बड़ा ट्रिगर इन पर कम से कम कल एक्सपेक्टेड नहीं है बजट में, जो होना था ऑलरेडी वो रिकैप को लेकर और बाकी चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं। दूसरा, ICICI बैंक के नंबर्स हैं, अब जो मार्केट ने प्राइस इन किया है उससे कहीं गड़बड़ नंबर आ गया यहाँ पर या थोड़ा कमजोर नंबर आ गया, देन व्हाट आर वी लुकिंग एट बैंक्स में? वेल, अगर मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आंकड़े इतने बुरे ना आए, लेकिन जो वॉचलिस्ट है उसमें से कितना योगदान आता है स्लिपेजेस को लेकर के, और नॉन वॉचलिस्ट में से कितना नए स्लिपेजेस आते हैं पिछले 2 तिमाही की। और मिहिर, आप ही के चैनल पर आपके साथ, आपके सहयोगी डिम्पी के साथ और बाकी अन्य सहयोगी के साथ बात करते हो, पिछले 2 साल से हमने एक ही कवायद की थी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जबकि अंडर परफॉर्म कर रहे थे, किसी को हाथ नहीं लगाना था, तब भी हम खरीदारी की राय बरकरार थी और आज के तारीख में भी है। देखना ये ज़रूरी होगा कि नतीजों में क्या मसला निकल करके आता है, सुधार होता है या फिर परिस्थिति बुरे के लिए परिवर्तन करती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आंकड़े इतने बुरे ना आए, एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय बरकरार है, नतीजे देखने के बाद और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, नतीजे देखने के बाद कुछ विश्लेषण होगा, लेकिन ठीक बजट से पहले हम विश्लेषण कर रहे हैं इस चीज का कि आखिरकार बजट में क्या आ सकता है। सुबह एजुकेशन वाले शेयर, बाद में इंडस्ट्री और इसके साथ साथ महिलाओं को क्या मिला, और अब बारी है आज के कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को इस बार का बजट क्या दे सकता है, ये जरा समझ लेते हैं। बताएं पूजा, वित्त मंत्री जब बोल रहे होंगे तो कंज्यूमर्स को क्या मिल रहा होगा?
कंज्यूमर्स इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्स के फ्रंट पर उनको काफी बड़े कुछ बड़े अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस फ्रंट पर उनको कुछ राहत मिल सकती है। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार एक नया स्लैब अनाउंस कर सकती है, 5 से 5.5 लाख का एक नया टैक्स स्लैब ला सकती है जिस पर की नजर रहेगी कंज्यूमर्स की, और टैक्स छूट की जो सीमा है वो भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। और एक और एक्सपेक्टेशन यहाँ की जा रही है कि जो ATC का भी जो रिडक्शन लिमिट है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कंज्यूमर की तरफ से टैक्स को लेकर जो कि इस बार हम नजर रख रहे हैं कि शायद कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान पर भी इंसेंटिव संभव है, डिजिटल पर सरकार जिस तरह से फोकस कर रही है उसको भी और बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा संभव है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स का दायरा बढ़ सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बूस्ट करने के लिए, उनकी डिमांड को और बूस्ट करने के लिए खरीद पर जो इस सेगमेंट में कुछ इंसेंटिव की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो हाउसिंग बेनिफिट्स पर रहेगा, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए टैक्स में कुछ घोषणा की जा सकती है। और इसके अलावा भी बैंक्स के फ्रंट पर भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं, घर खरीद के लिए एक बड़ा के लिए बढ़ा कुछ सहायता यहाँ पर बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा गोल्ड को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं, सोने पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी आ सकती है और अनुमान किया जा रहा है कि 10% से घटाकर 6% किया जा सकता है। रेलवे के नवीनीकरण पर भी खर्च बढ़ सकता है, लगातार इसको लेकर भी कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड आती रही है कि वहाँ पर जो फैसिलिटी है उधर सुधार होना चाहिए, तो रेलवे के नवीनीकरण पर भी कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ आवंटन यहाँ पर बढ़ सकते हैं। कंज्यूमर सेंट्रिक की कुछ स्टॉक्स की बात करें, अगर इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट होता है तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, जिसके चलते जो स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए उसमें HUL, टाइटन, बजाज ऑटो, हैवेल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपके फोकस में रहनी चाहिए। खैर एक और चीज तो है, कंजम्पशन भारत के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट है और सरकार की शायद इस बार की नीति वही हो कि कंजम्पशन वाली थीम को ना बिगाड़ा जाए, इससे कंपनीज का रोटेशन, उनकी इनकम और अर्निंग्स, ये सब कुछ आपको साफ दिखेगा। तो गौरांग एक काम कर सकते हैं, ये बजट एक इवेंट है जो पास हो जाएगा, लेकिन शायद ITC, HUL, इमामी, ये कुछ एक ऐसे FMCG के प्लेयर हैं जिसको मैं सीधा रख सकता हूँ, क्योंकि ITC में वो प्रॉब्लम भी नहीं है ना जो पहले होती थी कि सिगरेट के ऊपर टैक्स है, इसके ऊपर टैक्स है, अब तो इनडायरेक्ट तो गुम ही हो जाएगा। मार मार कर कितना मारोगे आप, और गनीमत है कि GST के तहत ITC अब निकल गया और एक ढांचा निर्णायक तरीके से बन गया है। और जब आपको याद होगा डिम्पी, जब वो GST के तहत एक फायदा मिला था आउट ऑफ द गेन्स स्ट्रक्चर को लेकर के, और बाद में उस ढांचे को फिर से ठीक ठाक किया गया, तो ITC एक 260 के आसपास काफी लंबे समय तक आकर के टिका। 345 का टारगेट तब भी था, 345 का टारगेट अब भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जो कंजम्पशन की आप बात कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि काफी लंबे समय से कन्विक्शन रहा है हमारा एज अ ब्रोकरेज हाउस जीएसडी फाइनेंशियल सर्विसेज का, और कंजम्पशन को हम ब्रोकरेज हाउस के रूप में अगर आप देखने जाए तो 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक तो है FMCG, दूसरा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और तीसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब ये तीनों में ही हमारी काफी कुछ लंबी लिस्ट है पसंदगी की और हमने राय भी दी है यहाँ पर निवेश करने के लिए। खैर एक और चीज भी है इसमें ध्यान देने वाली बात, जैसे हम कंजम्पशन की बात तो कर ही रहे हैं, सरकार का ग्रामीण भारत पे फोकस होगा। 3-4 दिन से ना आपको शेयर में एक नोटिस करवा रहा होगा, आपको भी लगता होगा पता नहीं क्यों इतना बोलता है ये। कावेरी सीड जरा देखिए आज वो 4% ऊपर है, ये 3-4 दिन से नहीं चल रहा था लेकिन आज चला, क्या जोरदार चला, 4% ऊपर आ गया। जय जरा देखिएगा एक और शेयर है भारत फाइनेंस फाइनेंशियल जिसे हम कहते हैं एक्चुअली, ये 2-2.5% ये भी ऊपर है और ये भी डी हाई पे है। इन दोनों शेयर्स पे जरा राय चाहिए आपकी, ये कल प्रॉफिट बुकिंग के शेयर हैं या फिर रखने के शेयर हैं, कल भी रखें इसको हम? आई थिंक भारत फिनांस साथ ही साथ इंडसइंड बैंक दोनों ही अच्छे, और मैं एज अ डिस्क्लेमर ये कहना भी चाहूँगा डिपी कि हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड भी कर रखा है ये दोनों स्टॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स में फिलहाल में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है, लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है, तो आई थिंक एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। भारत फिनांस में शॉर्ट टर्म में लगभग 3 से 4% का मूव देखने मिल सकता है, जबकि इंडसइंड बैंक में लगभग 1780 इनिशियल लेवल्स पे और 1800 के तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि भारत फिनांशियल्स में आप लॉन्ग पोजिशन बनाए, फ्यूचर साइड पर अगर बनानी
नहीं हो तो, और यू नो इंडसइंड बैंक में कॉल ऑप्शन खरीद कर चले लगभग यू नो 1760 का जो बेच सकते हैं, 45-46 के आसपास जिसके टारगेट्स आ रहे हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 25 का। जहाँ तक कावेरी सीड्स का सवाल है, यू नो मैं अभी भी थोड़ा यू नो वेट एंड वॉच करना चाहूँगा डिपी, इसका कारण ये कि कल हमें यू नो इसमें शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आया, ब्रेकडाउन देखने मिला ये स्टॉक में, और इनफैक्ट काफ़ी जो इंपॉर्टेंट उसके लेवल्स थे 500 के आसपास के वो ब्रेक हुए, उसके नीचे आज भी ट्रेड कर रहा था और फिर एक रिकवरी देखने मिली है। तो क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट के विप्सॉ हो रहा है, दोनों ही बाजू 500 का जो उसका अहम सपोर्ट था उसके आसपास दोनों ही अब लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड पे विप्सॉ कर रहा है कि नहीं, ये आई थिंक वेट एंड वॉच करेगा। अगर हाँ ये स्टॉक सस्टेन करता है 525 के ऊपर तो मैं कहूँगा डिम्पी वो फॉल्स ब्रेकआउट ही था नीचे और शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं और वहाँ से शॉर्ट कवरिंग साथ ही साथ लॉन्ग बिल्डअप 525 के ऊपर देखने मिलेगी जो स्टॉक को फिर अबाउ 525-565 तक लेके जा सकता है। टिल दैट डजन हैपन मैं कहूँगा वेट एंड वॉच, किसी की और पोजिशन हो अगर ये स्टॉक में तो मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 500 का क्लोजिंग बेसिस पर रखिए। मेरी एक और चीज़ है, सब लोग कह रहे हैं कि एसटीसी एलटीसी जाए तो बाजार टूटेगा, नहीं आया तो शायद बाजार चल जाएगा। मान लीजिए बैलेंस बजट आ गया फिर क्या होगा, क्या सब कुछ बैलेंस कर देगी? ठीक है एक हाथ से हम आपसे ले रहे हैं दूसरे हाथ दे भी तो रहे हैं, अगर हम एसटीसी का दायरा बढ़ा रहे हैं एसटीटी माफ भी तो कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तब बाजार के अंदर क्या होगा बैलेंस बजट के केस में? नहीं देखिए बैलेंस बजट एलटीसीजी तो नेगेटिव है मार्केट के लिए, आई थिंक एसटीसीजी अगर आपने इसकी समय सीमा एक से बढ़ाकर 2 या 3 साल कर दी क्योंकि बाकी एसेट क्लासेस में ऑलरेडी है, उस पर मार्केट का मूड ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। बट एलटीसीजी का जैसे ही आप नाम लेंगे और ये इंडिकेट करेंगे कि हम ला रहे हैं एलटीसीजी, इट इज़ गोइंग टू बी अ डैम्पनर फॉर मार्केट। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, समझिए एलटीसीजी का सिर्फ नाम लिया जाता है कि भविष्य में होना चाहिए लेकिन कब होगा हमें नहीं पता, या हम भविष्य में सोचेंगे इसके बारे में फिलहाल नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी होता है ना तो वो आई थिंक मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा। तो अगर इट्स अ डिसिप्लिन्ड बजट जिसमें फिस्कल स्लिपेज जो है इस साल के लिए, चलिए आपने 15-20 बेसिस पॉइंट का स्लिप कर दिया लेकिन अगले साल के टारगेट पर आप कमिटेड रहते हैं 3% का, आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कटौती की, भले शायद उम्मीद जितनी ना करें 2.5% ना करें, थोड़ी बहुत कम कर दें, लेकिन अगर आप करते हैं वो एलटीसीजी नहीं लाते हैं तो फिर बाकी चीज़ें जो हैं बजट की वो तो ऐसी हैं जो मार्केट पहले से अपने साथ लेकर ही चल रहा है कि ये एक बूस्टर बजट होगा, किसानों पर फोकस करेगा, ग्रामीण भारत पर फोकस करेगा, कंज्यूमर को एम्पावर करेगा, ये चीज़ें तो पहले से हैं मार्केट में। क्या बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, करीब 140 पॉइंट ऊपर आ चुका है, सरकारी बैंकों का खेमा जर आप दिखाएं यहाँ पे एक अच्छा मूव होगा और साथ ही कुछ निजी बैंक भी चल सकते हैं। खैर आईसीसी बैंक का वजह से आज ज़्यादातर निजी बैंक रुके हुए थे, एक बार प्राइवेट बैंक के पहले दिखाएं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर आप कोटेक देखेंगे, इंडसइंड बैंक देखें, इन्होंने सडन स्पाइक दिखाया है, ये बढ़त दिखाई है। सरकारी बैंकों में कुछ ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं है हाँ, लेकिन फिर भी जिसमें सबसे कम गिरावट है वो मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन और एक सिंडिकेट बैंक, इनमें सबसे कम गिरावट है, शायद हो सकता है हरे निशान में भी आ जाए। एक और चीज़ है मिहिर, ये एलटीसीजी की बात मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, क्या सरकार को सिर्फ 50,000 करोड़ ही तो मिलेंगे, ये तो कहीं और से भी आ सकते हैं, तो बाजार को सिर्फ 50,000 करोड़ की एलटीसीजी से अगर लगा भी दिया गवर्नमेंट ने तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतनी हाई तोबा क्यों है? या तो 6,00,000 करोड़ की भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट है जो सरकार अनाउंस कर देती है उस पर तो चलता नहीं बाजार इतना, ये 50,000 करोड़ रुपए की एलटीसीजी पे इतने हवाला मचा हुआ है? नहीं नहीं देखिए वो दैट्स मोर ऑफ इज द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग, आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को जो मैसेज देते हैं इसके जरिए एलटीसीजी और उसके जरिए वो दैट इज़ बेसिकली इट इज़ कंसिडर्ड एंटी इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव। इसे कोई कहीं किसी भी देश में इसे इन्वेस्टर फ्रेंडली मूव नहीं कहा जाता, वो बाय डेफिनेशन ऐसा है। तो मैं अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगता हूँ तो मैं आई एम बींग अनफ्रेंडली टू यू राइट, तो वो उस लिए वो उसका एक्चुअल टर्म्स में आप देखेंगे इम्पैक्ट कितना आएगा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस मार्केट में इन लेवल्स पे एलटीसीजी अगर आता है तो क्या मार्केट बस एक दो दिन इसे भुनाकर आगे निकल जाएगा? वो होना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि स्कोप है मार्केट में, करेक्शन का भी स्कोप है, और फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेंड अक्रॉस अ मैसेज, सरकार जब एक मैसेज देती है तो सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का रवैया एक होता है लेकिन जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनका दूसरा होता है, तो वो दे सेंड अक्रॉस अ मैसेज। आपने पहले भी देखा, आपने गार के समय देखा, आपने पी नोट्स के समय देखा है, तब भी कोई भारत की फंडामेंटल स्टोरी तो खराब हुई नहीं थी, उस पर तो सवाल या निशान था नहीं, बट अ मैसेज हैज टू गो विच दे सेंड। कुरांग, अगर किसी वजह से गिरावट आ भी जाती है, नाम कुछ भी लगे, टैगिंग कुछ भी हो जाए, ठीक है कुछ भी कोई भी नाम दे देंगे, उसके बाद क्या करना होगा हमको? हो सकता है कल बात करने में आपसे थोड़ा मेरे को विलंब हो जाए तो असली आज ही बता दीजिए, अगर कल बाजार गिर जाए तो फिर मैं क्या करूँ?
विलंब हो जाए ठीक है, मैं करेगा नहीं पता लगे 300-350 पॉइंट खड़ा है नीचे, तो मेरे पास आपका फोन ना मिल पा रहा हूँ, आपसे कनेक्ट ना हो पा रहा हूँ, तो मेरे को पता तो होना चाहिए। हाँ गौरांग ये बोल के गए थे, ये भविष्यवाणी इन्होंने की थी, 400 पॉइंट नीचे आए तो आप प्लस कर लीजिएगा पोजिशन। नहीं अभी और अमीर बात कर रहे थे तो मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में किसी भी तरह का परिवर्तन हो या ना हो। गौरांग चलिए कल तो बात होती होगी, फिलहाल आपका ऑडियो थोड़ा खराब आ रहा है, हम लौट कर आते हैं आपके पास। लेकिन देखिए थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है मार्केट में, और इसमें बैंक्स का बड़ा योगदान है। इस समय जो रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें स्पाइक देखने को मिला है बैंक में। और देखिए मैं इसलिए आपको कह रहा था कि आज मुझे एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक से अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि एक तो गिरावट कम थी, अब वहां पर स्पाइक है। तो SBI ने 0.5% की रिकवरी दे दी, PNB में हमने एक सर्ज देखा है, ICICI बैंक में हमने एक रिकवरी देखी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने सर्ज देखा है। नुकसान है अभी भी, लेकिन अब उसकी मात्रा कम होते हुए, इस पर कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या मयूरेश आप? मीर जी आई थिंक बैंक्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहाँ पे फोकस पहले से ही था, और जैसे नंबर्स आए थे रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स के आई थिंक काफ़ी शानदार नतीजे थे जिसका परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। ऑन द कॉर्पोरेट साइड हालांकि आई थिंक नंबर्स थोड़ा एसेट क्वालिटी पे हायर साइड पे रहने की आकांक्षा है इवन फॉर ICICI बैंक, क्योंकि जितनी प्रोविजनिंग शायद आएगी फॉर NCLT केसेस आई थिंक विल बी ऑन द हायर साइड, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जैसे इनके भी रिटेल एडवांसेस बढ़ रहे हैं आई थिंक दे शुड बी इन अ फार बेटर पोजिशन बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और वैल्यूएशंस में आई थिंक दे आर स्टिल फार चीपर कम्पेयर टू द रिटेल वन। सो आई थिंक सिलेक्टिवली ICICI बैंक का चुनिंदा जो प्राइवेट बैंक है जैसे येस बैंक हुआ इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडसइंड बैंक आई थिंक दे लुक वेरी वेरी गुड ऑन एनी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। जहाँ तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल रहा, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई है, जो बॉन्ड इशुएंसेस की अनाउंसमेंट हुई है, आई थिंक मच इज इन द प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू दीज इशूज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो लार्ज कैप बैंक्स हैं जहाँ पे आई थिंक कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रॉन्ग है और जहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है एसेट क्वालिटी में, जैसे स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, शायद डिक्लाइंस पे एक स्टैगर्ड वे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल गिरावट में देख सकते हैं। एक और चीज भी है जय, जरा आप देखेंगे एक शेयर है जय कॉप, आपके नाम से ही है ये, बॉम्बे में एक नया एयरपोर्ट बना रहे, कल वित्त मंत्री जब बात रखेंगे ना शायद हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसके बारे में भी बोल दे कि हम मुंबई में ये एयरपोर्ट को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी कोई बात आएगी तभी शेयर रिएक्शन देगा, और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा भी रिएक्शन देगा, दोनों पर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आता है जब भी नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात होगी। तो इन दोनों शेयर्स पर क्या करें, पोजिशन को रखें तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए मेरा? वेल यू नो जहाँ तक इसका सवाल है, जैसे पहले भी हमने इस पर बात की है जैकॉप के ऊपर, तो मैंने कहा कि ये स्टॉक अपने एक कंसोलिडेशन में से, एक तो डाउन ट्रेंड में से मैं कहूँगा निपी निकल चुका है, और यू नो एक हायर टॉप्स हायर बॉटम कंटिन्यूसली इस स्टॉक में देखने मिला। इनफैक्ट इसके लॉन्ग टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स जो थे वही रिवर्स हो चुके हैं फ्रॉम सेल टू बाय, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म के लिए स्टॉक रिवर्स हो चुका है। अब शॉर्ट टर्म का जहाँ तक सवाल है, यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन लोअर साइड ये स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जो बना हुआ है डेट कम्स टू अराउंड 155। जब तक 155 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते डीपी इसमें बने रहना चाहिए। ये स्टॉक यू नो ऑन दी अपसाइड जहाँ तक उसके बैंड्स को टच करता है फिर से, तो 228-230 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है। सो आई थिंक डेफिनेटली यू नो जैकॉप इज अ गुड स्टॉक। जहाँ तक रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का सवाल है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों स्टॉक इनफैक्ट चलते साथ में ही है, इसका भी चार्ट बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, ऑल्दो इट हैज़ अंडर परफॉर्म यू नो जैकॉप, बट इसकी 200 DMA का सपोर्ट लगभग आ रहा है 496 के आसपास। जब तक ये लेवल्स यू नो होल्ड करता है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई थिंक ये स्लोली एंड स्टडीली जैकॉप की जो रैली है उसको कैचअप कर सकता है, सिंस दे आर यू नो जनरली दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और ये ऊपर में यू नो 640 इमीडिएट बेसिस पे, और 640 अगर निकालता है तो 665 तक भी जा सकता है। सो अहम सपोर्ट यू नो इंडस्ट्रियल इंफ्रा के लिए 496 का है, और जहाँ तक जैकॉप का सवाल है देन इट कम्स टू द लेवल्स ऑफ 155। चलिए इस बीच देख लेते हैं कुछ एक और काउंटर्स को जहाँ मूव अच्छा देखने को मिल रहा है। एक तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ये करीब 11% ऊपर इस समय चल रहा है। स्किपर इंडिया लिमिटेड, ये 8.5% ऊपर है। इंटेलेक डिज़ाइन, ये 8% ऊपर है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, अब ये करीब 7% ऊपर है। पेनेशिया बायोटेक एक और काउंटर है जो कि 7-1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जैकॉप की तो बात हो ही गई, जेके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एक काउंटर है जो कि करीब 5-1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो भी बाउंस है इसमें जय, एक बार के लिए अगर किसी के पास पड़े हुए हैं ये स्टॉक, इफ एट ऑल बेच दें क्या?
जैकॉब मुझे नहीं लगता मेयर बेचना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि उसके प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं हुए, एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है. एंड हाई टॉप्स हाई बॉटम जब तक कंटिन्यू करता है आई थिंक ट्रेंड रेडी करना चाहिए. और इसके इंडिकेटर्स जो सेल मोड में थे वो अभी वो शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो चुके हैं. सो मुझे टेक्निकली कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है सेल का एज ऑफ नाउ. आई थिंक इसीलिए मैंने कहा कि 155 के स्टॉप लॉस शायद बने रहे. इनफैक्ट अगर और किसी नज़दीक का स्टॉप लॉस है देन यू नो स्टिल द क्लोजर स्टॉप लॉस जो मैं यू नो सार देख रहा हूँ उसका तो दैट कम्स टू अराउंड मोस्ट टू द लेवल्स ऑफ 173-174 तो उसका स्टॉप लॉस लगाकर भी खड़े रह सकते हैं. ठीक है. हालांकि एविएशन वाली दोनों ही कंपनियां जो एयरपोर्ट बनाती हैं जीवी के जीएमआर इन दोनों पर भी कल नज़र रखनी होगी. लेकिन जहां पर जहाज जो कंपनी जहाज उड़ाती हैं जेट एयरवेज उसके सीईओ से हमने बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह. उन्होंने उनसे वही सवाल पूछा जो आपके मन में भी चल रहा होगा. कच्चे तेल अगर बढ़ेगा तो हमारा हवाई सफ़र महंगा तो नहीं हो जाएगा. जेट के सीईओ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप. सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा जिस तरह से क्रूड की कीमतों में उबाल बना हुआ है और अभी ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा तो ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर के लिए कितनी चिंताजनक चीज़ है और क्या आप मानेंगे कि अगर यही अपवर्ड ट्रेंड रहता है तो ओवरऑल फेयर स्ट्रक्चर में भी बदलाव दिख सकता है और कंपनियों के मार्जिन भी हिट होंगे. आपने ठीक बताया कि अभी हमने ऑयल प्राइसेस के ऊपर प्रेशर देखा है और उनकी इंक्रीज हुई है और जैसे माना जाता है एयर फेयर्स ओवर टाइम थोड़े लैप्स के बाद आपको इंक्रीज फेयर्स में होता है. इससे कोई भी कंपनी के लिए बिकॉज ऑयल बहुत बड़ा कॉस्ट एलिमेंट है पूरे स्ट्रक्चर का तो नोबडी हैज एन एबिलिटी टू कंटेन ऑल द कॉस्ट विद द कंपनी. इट विल इवेंचुअली गेट पास्ड ऑन. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम लैग वेदर इट इज 3 months, 6 months, 9 months बट इवेंचुअली इट विल गेट पास्ड ऑन. जिस तरह से बजट से बस पहले ही बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से ऐलान होंगे या ऐसी कौन सी चीज़ें होगी जिसपे आप चाहेंगे कि अगर ये बजट में वित्त मंत्री जी ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल सेक्टर को काफ़ी फायदा होगा. देखिए दो चीज़ें हैं. अभी आज की तारीख में GST एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और GST हमारा फ्यूल जैसे बताया एक बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट है. आज फ्यूल बाहर है उसके तो हमारी ये आशा रहेगी कि वो कंसिडर किया जाए. दूसरा आज आपने जो पढ़ा कि एक कंसोलिडेटेड GST हो क्योंकि हम इतने स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं हर का कंप्लायंस बहुत बड़ा है तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भारत सरकार का फोकस है वो कितना जल्दी हमको मिलता है क्योंकि आज के जो मेन सिटीज़ के एयरपोर्ट हैं मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं वो पूरी तरह से कॉन्स्ट्रेंट हैं स्लॉट्स उसमें हैं नहीं तो उसमें अगर अवेलेबिलिटी बनती है तो हमारे देश में जो ग्रोथ है पैसेंजर ट्रैफिक की उसको और फ़ायदा मिलेगा. खैर इम्पोर्टेंट होगा. ये तो कह रहे हैं कि दाम बढ़ा सकते हैं सरकार कोशिश करे दाम ना बढ़े. इस बीच में पशुमेश में फंसे हुए हैं. जरा देख लेते हैं क्या करना चाहिए इस पे. गोरांग आपकी रिकमेंडेशन चाहिए. ये एविएशन वाली कंपनियां इन पे क्या करें. एकमात्र कंपनी इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो IPO के समय समय पसंद है और हाल ही में भी एक खरीदारी की रिपोर्ट निकाली है डिम्पी. 1485-1575 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के नजरिए से निर्धारित किए. ठीक है. यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं गोरांग उनकी तरफ से है. इंडिगो वैसे उनका फेवरेट शेयर है. एक बार जब IPO के बारे में भी गोरांग हमको इसके बारे में जानकारी दे रहे थे. एक और दो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमको. वो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं. एक बार IFCI दिखा सकते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और MMTC जरा तीनों दिखाए. इसके अंदर थोड़ा पुल बैक है शिपिंग के अंदर भी पुल बैक है और साथ ही MMTC भी है. मयूरेश सरकार तो रिफॉर्मिस्ट है और इस रिफॉर्मिस्ट सरकार में तीन ऐसे कंपनियां हैं जिस पर सरकार रिफॉर्म करना चाहेगी अलग अलग रीजन से. किसी को कल के लिए रख सकते हैं क्या. नहीं मेरे ख्याल से आई थिंक अगर इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के लिए पे करना है तो आई थिंक जो भारतमाला और जो सागरमाला प्रोजेक्ट्स शायद गवर्नमेंट अनाउंस करे एंड इंक्रीज आउटले टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन जो 2,41,000 crore था इन द बजट गॉन बाय. मुझे कहीं ना कहीं लगता है आई थिंक जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं जैसे कोचिन शिपयार्ड हो वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रिटर्न रेशियोज अबाउट 15% नेट कैश पोजिशन आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियरी पोजिशन में रह सकती है. दूसरा आई थिंक जो ड्रेजिंग कॉप की आप बात कर रहे थे पहले शो में मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अट्रीशन एंड अक्रीशन हैपनिंग देयर वे बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर एंड एलिवेटेड मार्जिन्स. थर्ड हो सकती है VATech वाबा क्योंकि जैसे इनके ऑर्डर्स हैं और जैसे एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आ सकते हैं
with the announcements that can happen on both these key mark projects, I think ek bahut beneficial impact shayad dekhne mil sakta hai. To shayad ye teen companies mein dekho, specifically in terms of increased allocation towards their pet projects of Bharatmala, Sagarmala, and increased allocations towards infrastructure capital outlay. बिल्कुल, चलिए डाबर इंडिया के नतीजे हैं और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ललित मलिक जी भी हैं, उनसे बात करते हैं. ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक 3 बजे हमारा वक्त होता है फाइनल बेट देखने का, बस वो देख लेते हैं 30 सेकंड्स में आज की फाइनल बेट. रजत, अच्छे अच्छे लोग बेट लेने से डर रहे हैं यहाँ मार्केट में. आप आज फाइनल बेट क्या दे रहे हैं बताइए. नहीं, पिछले एक घंटे का ट्रेड देखेंगे ना तो बजट थीम पे ही मार्केट चल रहा है और एग्री शेयर्स फोकस में है. आप फर्टिलाइजर्स पे बेट लगा लीजिए, इस समय पैसा बन रहा है यहाँ पर. तमाम स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे, आरसीएफ खरीदेंगे तो यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल अच्छा है. देखिए, इस पे हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं 97.5 का लेवल, उसके बाद तो मंथली चार्ट इंप्रूव हो जाएंगे और 99.50-100 तक के लक्ष्य खुल जाएंगे. लेकिन पिछले एक घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आरसीएफ और एनएफएल पे डेवलप हुए हैं. इनफैक्ट बीज बनाने वाली कंपनियां और दूसरी केमिकल कंपनियां जो हैं, जो एग्री सेक्टर को बिलोंग करती हैं, वो भी चल पड़ी हैं. यहां पर एक घंटे में वॉल्यूम ठीक और वॉल्यूम 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए और 10 दिन से गिरावट थी उसको थाम के आज के सत्र में एक पुल बैक और ठीक बजट से पहले एग्री पर फोकस बढ़ गया, यानी कि एग्री में कुछ मेजर अनाउंसमेंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होती हुई नजर आएंगी. आरसीएफ टारगेट 99.5 का, स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा. ठीक है, आरसीएफ पे थोड़ा ध्यान रखें. वैसे भी फर्टिलाइजर शेयर थोड़ा चल भी रहे हैं. अभी अभी हमने देखा रैलीज इंडिया के अंदर मूव भी आया है, आरसीएफ भी ऊपर आ चुका है, एनएफएल, चंबल सभी इस समय डी हाई पे हैं. ये मार्केट में फ्लेवर के साथ ही खैर चलना होगा. मेरे साथ ललित मलिक हैं जो कि सीएफओ हैं डाबर इंडिया के. ललित सर, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए. इस बार का प्रॉफिट आपका करीब 12.5% बढ़ा है और आपकी जो इनकम है वो करीब 6% के आसपास की बढ़ी है. ये आगे भी इतनी बढ़ेगी या फिर इससे और ज़्यादा बढ़ेगी? जी देखिए, जहाँ तक हमारी टॉप लाइन रेवेन्यू का सवाल है, वो 6.1% कंसोलिडेटेड लेवल पे बढ़ी है, जो कि अगर हम कंपेरेबल बेस देखें तो करीबन 13% की है. और साथ ही साथ हमारा जो प्रॉफिट है वो एक 13.1% के रेंज में बढ़ा है, जो कि कांस्टेंट करेंसी में 15.7 के आसपास दिखाई पड़ता है. तो अगर हम आने वाले समय में देखें तो एक जीएसटी और नॉन जीएसटी का जो गैप है वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ईयर Q1 तक, क्योंकि जीएसटी Q2 से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो गैप हमें लगातार देखने मिलेगा. और सेकेंडली, एक एक्सचेंज का इम्पैक्ट है जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट को कंसोलिडेशन के समय हमें देखने मिलता है, जो कि करीबन 66 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, तो वो भी कुछ हद तक हमें आने वाले क्वार्टर में रहेगा. हालांकि उसका एक्सटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि एक जो हमारी मार्केट थी इजिप्ट की, वहाँ पर एक ओवरऑल 12 मंथ्स का रोल ओवर हो चुका है, तो कुछ हद तक एक्सचेंज का लॉस कम होगा, लेकिन ये दो इफेक्ट हमें आने वाले क्वार्टर में भी दिखाई पड़ेंगे. ठीक है मिस्टर मलिक, एक और चीज़ है कि इस बार का बजट सभी लोग ये कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत का होगा, शायद वित्त मंत्री ऐसा बोले भी. आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट रूरल इंडिया से कनेक्टेड हैं, कितना बेनिफिट होगा आपकी कंपनी को? आपने भी तो एनालिसिस किया होगा थोड़ा. जी देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह के फिस्कल इंसेंटिव जो हैं वो ग्रामीण लोगों तक पहुंच पाएंगे, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है. और साथ ही साथ हमारे जो इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइसिंग का इफेक्ट है वो कहां तक हमारी ग्रामीण जनता को बेनिफिट करेगा और एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक निर्भर करेंगी कि कहाँ तक उसका इफेक्ट डिमांड को बढ़ाने में हो सकता है. और हम आशा करते हैं कि आने वाले बजट सत्र में हमें उसका एक इंसेंटिव जो है वो रूरल मार्केट में देखने मिलेगा, ग्रामीण मार्केट में, और उससे डिमांड को और मजबूती मिलने की हम आशा करते हैं. बिल्कुल मिस्टर मलिक, एज ए इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, एक जो पिछली बार के बजट में कमिटमेंट दिया था वित्त मंत्री जी ने, वो दिया था कि कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25% किया जाएगा 2019 तक. एक तो ये और दूसरा LTCG, इसे लेकर क्योंकि इतनी बातचीत हो रही है, सो प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, LTCG, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम कॉरपोरेट रेट रिडक्शन की बात करते हैं वो डायरेक्शनली बिल्कुल सही है, मगर साथ ही साथ उसमें जो डिडक्शंस की बेनिफिट मिलती है वो भी धीरे धीरे कम होने की आशा है, सो दैट एक इफेक्टिव रेट जो है वो 25% तक पहुंचे. मगर जो एक स्टेटिस्टिकल डेटा देखने मिला है, काफ़ी कंपनीज जो हैं आज भी 25% से कम टैक्स भर रही हैं, तो ये कहीं उन्हें एक टाइमिंग के बेस पे वित्त मंत्री को देखना होगा कि सही समय क्या रहेगा जब ये रेट 1-1% जो रिडक्शन की बात की थी उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ.
तो एक एक ब्रॉड लेवल पे वो एक मुद्दा होगा। दूसरी बात वो है कि जहाँ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सवाल है, काफ़ी उसके बारे में लोग अनुमान लगा रहे हैं। हम वेट करेंगे कल बजट में अनाउंसमेंट का कि उसका क्या इफेक्ट होगा, वेदर वो इम्प्लीमेंट होगा या अगर होगा भी तो किस कारण होगा कि पीरियड बढ़ाया जाएगा या रेट होगा, तो हम इंतज़ार करेंगे बजट में उसकी अनाउंसमेंट का और उसके बेस के ऊपर ही मार्केट में उसका इफेक्ट। आपको लगता है मिस्टर मलिक कि इससे सेंटिमेंट खराब होगा, समझिए लाया गया LTC जीटो? जी देखिए ऐसा है, टेम्प्रोरीली कुछ उसका इफेक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस डिपेंड डिसाइड करती हैं और जो हमारा कैश इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का, उससे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी और किस तरह से इन्वेस्टर उसको पॉजिटिवली लेंगे। तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, चलिए मिस्टर मलिक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। डाबर के नतीजों पर बातचीत करने के लिए मिस्टर मलिक हमारे साथ थे। खैर जो डाबर के नतीजे हैं वो चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन ये पूरा स्पेस जो है कंजम्पशन का, आई थिंक बजट का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है, खासकर अगर इनकम टैक्स में कोई बड़ी छूट मिलती है तो। आपने ITC पर तो बात की ही थी, लेकिन मयूरेश ओवरऑल क्या ये वो वक्त है जब वैसे भी FMCG जैसे कंजम्पशन ड्रिवन एंड पार्शियली डिफेंसिव स्टॉक्स में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल मेरी जोर, हमारे ख्याल से आई थिंक जो एक ट्रेंड है कंजम्पशन या कंज्यूमर स्टेबल्स का, आई थिंक ये ट्रेंड बढ़ते ही जाएगा। जैसे आई थिंक कंजम्पशन ट्रेंड्स बढ़ेंगे, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगे Tier 3, Tier 4 रूरल एरियाज में, क्योंकि वित्त मंत्री और नरेंद्र मोदी भी बात यही कर रहे हैं ऑफ डबलिंग ऑफ फार्म इनकम बाई 2022। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर रूरल फोकस्ड FMCG कंपनी, इनका फोकस बढ़ गया है। दूसरा जो इनकी डायरेक्ट सप्लायर चेन थी वहाँ पे आई थिंक इनकी जो डिपेंडेंस है वो स्लोली स्लोली कंपनीज कम कर रही है और डायरेक्टली चलाने की कोशिश कर रही है। थर्ड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आई थिंक मार जरूर पड़ा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जैसे डिमांड कंजम्पशन और वॉल्यूम ग्रोथ आएगी ये ऑफसेट कर लेगी इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ लेवरेज हैपनिंग ऑन देयर बैलेंस शीट। तो आई थिंक मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से, आई थिंक कंजम्पशन एज अ थीम इज समथिंग दैट विल रिमेन वेरी वेरी बुलिश अपॉन। येस आई थिंक थोड़े मार्जिन्स पे आई थिंक डाबर के नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, इमामी के नतीजे थोड़े वॉल्यूम्स पे निराशाजनक थे, कॉम्पिटिशन इज प्रॉब्ली प्लेइंग आउट, बट ये सारे क्वालिटेटिव स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन शायद थोड़े हायर साइड पर रह सकते हैं, बट सिलेक्टिवली आई थिंक डाबर, इमामी, कोलगेट, HUL आई थिंक दे आर क्वालिटेटिव स्टॉक्स टू होल्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, खैर LTCG STCG जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसको लेकर 3:30 बजे भी हमारा एक खास कार्यक्रम होगा कि क्या LTCG का झटका इस बार लग सकता है बाजार को या फिर नहीं, और LTCG से क्या मतलब आपके और मेरी ज़िंदगी से क्या सरोकार इसका, ये आप ज़रूर देखिएगा। 3:30 बजे हमारी विशेष पेशकश होगी जिसपे बाजार का पूरा कनेक्शन इससे जोड़ने की कोशिश है। खैर ठीक बजट से पहले अब एग्री के, सीड के शेयर, पंप के शेयर वापस चलने लगे हैं और फर्टिलाइज़र में भी अच्छी खासी तेज़ी वापस आई है। एक बार जरा RCF जय आप देखें और साथ ही फैक्ट आप देखें, इन दोनों के शेयर्स के बारे में बताएंगे जरा, इन दोनों में करना क्या, अभी पोजीशंस लेके चले जाएं? बिल्कुल लेनी चाहिए सी, ओवरऑल डिम्बी में कहूँगा एज अ डिस्क्लेमर कि RCF हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है बाय करने के लिए, और जो हमारे लगभग मीडियम टर्म के टारगेट से हो तो 125-130 की, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर देखें तो इसमें अराउंड 9450 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर की तरफ 103 तक के टारगेट्स बनकर आ रहे हैं। तो आई थिंक फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, और किसे लेकर रखना हो और बजट में एक बार अनाउंसमेंट अगर आती है और पॉजिटिव आती है और मीडियम टर्म के लिए भी किसे रखना है, तो आई थिंक डिम्पी 125 तक के टारगेट्स रहेंगे। फैक्ट से कंपेरेटिवली मुझे RCF एंड देयर आफ्टर चंबल ज़्यादा पसंद है, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड फैक्ट एंड यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन और आई वुड लाइक टू रेकमेंड RCF और चंबल। बिल्कुल, इस बीच जिस तरह की क्लोजिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं एक बार देख लेते हैं मार्केट का सेटअप कैसा है, वॉल्यूम्स कैसे हैं, इंटरनेशनल क्यूज कैसे हैं, बिकॉज आज हमने दिन शुरू किया था तो कोई खास अच्छे संकेत थे भी नहीं स्पेशली फ्रॉम US, लेकिन वो एक तो फेड की बैठक और उसका इम्पैक्ट ये सब रहेगा मार्केट पर, लेकिन ब्रेथ में हल्का सा सुधार तो हुआ है मार्केट बंद होने से पहले, लेकिन वॉल्यूम्स को देख लेते हैं वॉल्यूम्स कैसे हैं।
इस समय जो कारोबार हुआ है वो 2,30,000 करोड़ के आसपास का हुआ है, मार्केट बंद होने में करीब 17 मिनट बाकी हैं, और जो इंटरनेशनल क्यूज़ हैं आज के लिए उसे अगर आप देखें तो आज भी संकेत मिक्स्ड ही हैं। एटलीस्ट कोई बहुत तेज़ मजबूती के संकेत किसी मार्केट से नहीं मिल रहे हैं, और इन सब के बीच अगर 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो आपको याद होगा डिम्पी कल हम जो बात कर रहे थे that this is going to be a photo finish budget. ये आखिरी बॉल तक चलने वाली मैच है और वही इस समय मार्केट में प्ले हो रहा है। आपने दो दिन सॉफ्टनेस देख ली, कल लार्ज कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग देख ली, 11,000 के पास आकर निफ्टी खड़ा हो गया। अभी आज आपको अगर फ्लैट क्लोजिंग देकर जाएगा ना तो आप फिर घर जाकर सोचेंगे कि अब मैं कल क्या करूँ। आज अगर ये और गिर गया होता तो थोड़ा ठीक है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता कि भैया वीकनेस ही है मार्केट में, देखेंगे अब जो होगा कल देखा जाएगा। ये आपको कन्फ्यूज करके छोड़ेगा आज की क्लोजिंग के साथ कि अब मैं कल क्या करूँ, कल मैं कौन सा ट्रेड लूं जब खुलेगा, क्योंकि देखिए बाजार खुलेगा तभी भी क्या होगा, बजट तो 11 बजे आएगा, मार्केट 9 बजे खुल जाएगा, उसके बाद वो दो घंटे भी ना ट्रेडर बेचारा कंफ्यूज बैठा रहेगा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो खैर ये मुश्किल तो खैर दिख रही है, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चल रहा कि पोजीशंस रखें लेके जाएं क्या करें, ये थोड़ा सा स्पेकुलेट। सरकार तो वैसे स्पेकुलेशन खत्म करना चाहती है लेकिन बाजार नहीं चाहता स्पेकुलेशन खत्म हो, ये लास्ट मोमेंट तक पत्ते नहीं खोल रहा अपने। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और भी देख लेते हैं। आज जो शेयर नहीं चले ना, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बेचारे शेयर दबे रहते हैं, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। डॉक्टर रेड्डीज, ये तो 3 दिन से खुद दवाई की लगता है इसको जरूरत पड़ गई है, 3.5% आज भी नीचे। सिप्ला भी बीमार है, ल्यूपिन भी बीमार है, 1.5% नीचे है। इन्फोसिस वापस लग रहा था कि थोड़ा चलेगा लेकिन 1.5% नीचे आ चुका है। गुरांग, ये दवा वाली कंपनीज में क्या करें, ये तो कॉन्फिडेंस बनाते हैं थोड़ा सा फिर से कोमा में चले जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं कोमा में। तो कौन से शेयर सेक्टर की बात, मैं फार्मा स्टॉक्स की बात बोल रहा हूँ गुरांग। जैसे डॉक्टर रेड्डीज, ये 2500 था उस समय रिपोर्ट आई, 3200 हो जाएगा, अब ये 2200 पे खड़ा है, सर क्या करूँ, फंस गए हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी कंसर्न होते हैं स्टॉक्स पर, लेकिन 3000 तक के लक्ष्य डॉक्टर रेड्डीज पर है, 1650 के लक्ष्य लुपिन पर है, और सो एंड सो फोर्थ, अरबिंदो फार्मा, नेटको फार्मा, अजंता फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, स्ट्राइड, सासुन, लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन ये जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पहली बात तो थोड़ी बहुत खबरें ऐसे आई हैं जो कि सकारात्मक है। अब रिकवरी प्रोसेस धीमा होगा, थोड़ा पेनफुल होगा, दर्द वाला होगा, लेकिन नजरिया लंबी अवधि का है तो परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं, बने रहे। ठीक है, बने रह सकते हैं, लेकिन क्या हमको हेवल्स में बने रहना है? जयजर आप देख के बताएं, 5% नीचे आज एक ब्लॉक डील हुई थी 525 के रेट पे, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं गया, 521-22 पे भी चल रहा है। एक बार कल के लिए फिर से लेके जाए तो बजट का शेयर है। वेल, हेवल्स तो मैं कहूंगा डिम्पी ऊपर की तरफ जो 538 का लेवल है वही बहुत एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है उसका, और जब तक वो लेवल नहीं निकलता मैं तो कहूँगा एग्जिट ही रहे इससे, यार तो दूरी रहे लॉन्ग साइड पर। कारण ये है कि इसमें डिम्पी कि अगर 538 के ऊपर नहीं जाता और इसी तरह ट्रेड करता है नीचे, तो आई थिंक जो हिसाब से उसकी राइजिंग वेज पैटर्न में से ब्रेकडाउन देखने मिला है, शॉर्ट बिल्डअप होते हुए देखने मिला है, ये शायद उसके 200 DMA को टेस्ट करना चले जाए, और वो लेवल्स बनकर आ रहे लगभग 502-504 के आसपास के। सो आई थिंक यहाँ पे अगर लॉन्ग रहना, ये इसीलिए मैं कहूँगा रिस्की है थोड़ा, बिकॉज लगभग 4-5% की डाउनसाइड बाकी हो सकती है ये 538 के लेवल्स नहीं निकलते। तो मेरी सलाह लॉन्ग की तो नहीं रहेगी, अगर कोई है इसमें लॉन्ग साइड पर तो डेफिनेटली एग्जिट करें, 538 के ऊपर क्लोज होता है देन दोबारा देख सकते हैं, तब तक तो नहीं। इस बीच एक्साइड के नंबर्स आए हैं, एक बार देख लेते हैं। जो कंपनी का मुनाफा है वो तो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही रहा, 153 करोड़ का अनुमान था, 154 करोड़ कंपनी का मुनाफा निकला है, लेकिन जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है वो 1,935 करोड़ से बढ़कर 2,277 करोड़ हुए हैं। काउंटर हालांकि आधे परसेंट नीचे है इस समय, 224 के आसपास है इस समय, लेकिन कैसा लगता है गौरांग एक्साइड आपको? वेल, दोनों ही एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा राजा बैटरी पसंद है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसिलरी से जुड़े हुए दोनों कंपनियां, और काफ़ी कुछ काम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लॉन्ग लाइफ बैटरीज की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भी हो रहा है, कुछ JVs भी तलाश कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट मार्केट भी अच्छा, नया ऑर्डर का मार्केट भी अच्छा, लंबी अवधि का नज़रिया तो बने रहे, और नतीजे जो अभी दिख रहे हैं आई थिंक रेवेन्यूज उम्मीद से बेहतर आई हैं, लेकिन मुनाफा जस्ट इन लाइन और फ्लैटिश आया है, इसका विश्लेषण अगर पता चले तो ज़्यादा उचित होगा।
ठीक है, एक शेयर है पराज इंडस्ट्रीज, ये आज 1% ऊपर है। हो सकता है सरकार कल क्लीन फ्यूल को लेकर कुछ और बात रखे, ये एथेनॉल मिथेनॉल की वापस बात कर सकती है, तो इसलिए पराज इंडस्ट्रीज को जरूर देखिएगा। एक बार जय आप इसका चार्ट देख के बताएंगे पराज इंडस्ट्रीज के बारे में क्या करना है, इसका चार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं रिम्पी, इनफैक्ट ये स्टॉक ने तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया है काफ़ी समय पहले, और मैं कहूँगा जो हिसाब से वो ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में लगातार एक हमें अप ट्रेंड देखने मिला, उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, अदरवाइज मैं कहूँगा यू नो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। इनफैक्ट बेस्ट पार्ट ये रिम्पी इसका कि जो रिसेंट उसका सेल ऑफ देखने मिला, और सेल ऑफ में कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने उसके प्रीवियस वेव 4 के आसपास दैट इज 100 and 100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया, तो जब तक 100 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते आई थिंक ये स्टॉक के बिल्कुल चांस है फिर से अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है, एंड दैट कम्स टू अराउंड 128-130, तो उसके लिए पोजीशन बना कर रखे लॉन्ग साइड पर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100। बिल्कुल, चलिए इस बीच फ्लैट ही क्लोजिंग, लेकिन आज जो दिन का दायरा है अगर हम उसे देखें निफ्टी का तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहा है, और इसमें जो गेनर्स हैं अपार्ट फ्रॉम रिलायंस जिसने सपोर्ट किया है, आज कोटक महिंद्रा बैंक ने ठीक काम किया है, ये करीब 2% ऊपर रहा है, भारती इंफ्राटेल ये 2.25% ऊपर, OMCs ठीक रहे हैं, ये OMCs पर रुझान ठीक रहा है। गौरांग आपका व्यू क्या है OMCs पर? कल हमने CEA से जब बात की अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने भी कहा कि क्रूड अगर ऊपर ही रहता है तो और स्क्रीमिंग केस बन जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST में लाने के लिए अगले साल। आई थिंक वो होना भी चाहिए, और तीनों ही सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HP BP IOC पर खरीदारी की राय थी, HPCL पर क्योंकि अब विलय की बात चल रही है ONGC के साथ, तो वहाँ पर भी जो हमने बातें सुनी और अब तक की जो स्पष्टीकरण आया दोनों पर ही हम सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी पॉजिटिव है क्योंकि इन्होंने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिटेलिंग का कारोबार शुरू किया है, और जहाँ तक रहा कच्चे तेल के दाम के भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, एक बार ये ठंडी का मौसम धीरे धीरे करके ओझल हो जाए तो मेरे ख्याल से कच्चे तेल के दाम भी धीरे धीरे करके नीचे आने शुरू हो जाएंगे। आज जाने चाहिए, नहीं तो हो सकता है फिर से अरविंद सुब्रमण्यम को एक बार फिर से और कुछ कहना पड़ जाए, वित्त मंत्री कुछ कहें तो खैर अभी तो चिंता की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जरा BTST कॉल्स भी आप नोट कर लीजिए, आज आप जब लेके जा रहे होंगे ना ये कल बजट से पहले ही काट दीजिएगा, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 445 का टारगेट 417 पे रुका है, यह आशीष क्याल की रिकमेंडेशन है, 402 का स्टॉप लॉस भी होगा। पोर्ट वाली कंपनीज को लेकर भी हो सकता है कल कुछ खबर आ जाए, तो इसलिए एक बार लेके जाएं शुरुआती टिक में, अगर 432 के आसपास मिल जाए काट दीजिएगा, एक बार 420 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है, ये भी आशीष की ही रिकमेंडेशन है। एक और शेयर देखिए रैलीगंज सिक्योरिटीज का रहा है पावर ग्रिड 199 का, सरकार की दो मंशा तो बिल्कुल साफ है, सबके लिए बिजली सबके लिए घर, और इसके लिए सरकार किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, पावर ग्रिड पर जरूर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ BTST है 199 का टारगेट है। टीवी स्लैब अभी भी टूट रहा है बेचारा, आज भी 3.5% है, लेकिन रैलीगर कह रहा है कि तोड़ेगा और भी, ये 1000 आ जाएगा, 1110 का इसका स्टॉप लॉस लगाइएगा, और इस पर 1000 रुपये तक का टारगेट भी है। टीवी स्लैब खुद भी बीमार है। आगे बढ़ते हैं प्रूडेंट, वो कह रहे हैं डिश टीवी हमारी ग्रुप कंपनी 7850 तक का टारगेट है, 73 रुपये का एक स्टॉप लॉस रख के सौदे में खड़ा कीजिएगा, ये भी आप कल का आपको काट देना अगर आपको ओपनिंग में अच्छी मिल जाता है इसके लेवल्स तो डिश टीवी प्रूडेंट की रिकमेंडेशन लिस्ट में है। और एक और शेयर बता देता हूँ बस, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, वो है बजाज कॉप 520 का टारगेट 495 का स्टॉप का शेयर भी है, दोनों के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये भी आप लेके जाना चाहे तो ले जाइए, 2% वैसे भी थोड़ा सस्ता है आज, 500 के नीचे मिलेगा, 500 के ऊपर काट देना है ये शेयर, और उसके बाद प्रे कीजिए कि LTCG फिर प्रे कीजिए LTCG नहीं आए। बिल्कुल, खैर चलिए LTCG भूकंप हो गया दूसरा। हाँ आज एक आया भी था, मैंने एक आया 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, सबने बोला कि बाहर निकल जाओ, पता लगे कल LTCG का भूकंप आया, सब बोले बाहर निकल जाओ। बिल्कुल नहीं, लेकिन गौरांग जैसे कुछ लोग होते हैं जो उसमें जब सब बाहर निकल रहे होते हैं ना तब वो अंदर जाने की ट्राई करेंगे। गौरांग आप ये बताइए कि आप 10,500 के आसपास लेंगे या फिर कल से ही शुरू हो जाएंगे अगर गिरा मार्केट तो खरीदारी करना? मैं तो 2014 से खरीदारी की बधाई दे रहा हूँ, तो ये आजकल की बात नहीं, और जब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी तो मैं यही बात बताना चाहता था कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कोई भी तरह का परिवर्तन हो या ना हो, बैलेंस बजट जैसे डिम्पी जी जिक्र कर रहे थे, आए या ना आए, मौका मिलता है खरीदारी का तो खरीदारी करे, खाली एक ही ध्यान रखिए कि आप किस क्षेत्र को चुनते और उन क्षेत्रों में किन शेयर्स को चुनते, और थोड़ी बहुत मालूमात जानकारी अभ्यास करके निवेश करें और नजरें लंबी अवधि का रखें। जिंदगी 2018 के बाद भी रहेगी, शेयर बाजार भी रहेगा, 2019 के बाद भी शेयर बाजार रहेगा और जिंदगी रहेगी, और हम और आप बात भी करते रहेंगे, और ऊपर के स्तर देखना और भी बाकी है।
चलिए, एक तो बहुत बड़ी बात आपने कही गुरान, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया एकदम से ये आपकी बात सुन के कि हाँ 2018 में हम हैं। मेरे को तो लग रहा है कि LTCG कहीं हम ही गुम ना हो जाए, अभी लग रहा है आपकी बात सुन के कि हम 2018 में भी रहने वाले हैं। अच्छा मयूरेश, ये 2018 में हम रहेंगे तो किस लेवल्स पे रहेगा बाजार, ये 11,000 के इर्द गिर्द ही झूलेगा या फिर इससे नीचे आ जाएगा? अरे बिल्कुल रहेंगे डिम्पी जी, और चुस्त रहेंगे, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि मार्केट भी चुस्त रहे और हम भी चुस्त रहे और इन्वेस्टर भी चुस्त रहे। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आई थिंक जो शॉर्ट टर्म करेक्शन शायद मार्केट देख सकता है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, क्रूड प्राइसेस जो फ्लैग ऑफ भी हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, शायद एक अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिकॉज जस्ट एट द कस्प ऑफ रिकवरी। आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग सुधर रहे हैं, प्राइवेट केपेक्स अगले कुछ क्वार्टर्स में सुधर जाएगा और गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आई थिंक जारी ही रहने वाले हैं। एड टू दैट जो आई थिंक ग्लोबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स होंगे US में, दैट इज ऑल गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स एंड दैट डिमांड एक्सपेंशन विल कंटिन्यू। इंडिया एज एन इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो, और जैसे हम ग्रो होंगे अप द वैल्यू चेन, मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, द वॉलिटिलिटी दैट वी सी इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। लॉन्ग टर्म में आई थिंक जो चार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो लेवल्स की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं ऊंची लेवल्स पे इवन फ्रॉम दिस लेवल, सो यस लॉन्ग टर्म वेरी 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 पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स पे। एक जो अच्छी चीज़ देखने को मिली है वो है निफ्टी बैंक पर, ये 27,116 तक फिसला था और तभी लग रहा था कि ये जो 27,200 का लेवल इसने ब्रीच किया है, 27,100 भी अगर ब्रीच हो गया देन वी हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन ये वहाँ से अच्छा रिकवर कर गया, 27,355 पर है इस समय, यानी 1/4% से भी ज़्यादा का मूव, हालांकि बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड है। आप कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक को हटाकर अगर देखेंगे तो ये तेज़ी आधी भी नहीं रहेगी यहाँ से, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि SBI और ICICI दोनों ने इंट्राडे बेसिस पर अच्छी रिकवरी दे दी है, ठीक रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर डेरिवेटिव्स में आज क्या एक्टिविटी है अगर आप निफ्टी बैंक को देखें? मैं बिल्कुल कुछ खास तो ऐसा नहीं है, जैसे निफ्टी का हमने आपको बताया कि 10,500 में भी कुछ नहीं हो रहा, 11,200 में पूरा एक्शन 11,000 के आसपास है, ऐसे ही निफ्टी बैंक का भी है, ये 27,500 के इर्द गिर्द ही कॉल पुट के अंदर एक्शन है, और ये एक्शन एक्चुअली में बड़ा तब होगा जब आपको कम से कम कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ फ्रंट लाइन जैसे कि SBI और पंजाब नेशनल बैंक सरकारी, दो बैंकों में से नहीं आती है, क्योंकि ये वेटेज भी रखते हैं बैंक निफ्टी में, कुल मिलाकर 10 शेयर है वैसे बैंक निफ्टी के अंदर टोटल सरकारी बैंक जो है, जो कि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट बनते हैं, उसमें से इन दोनों की वेटेज सबसे ज़्यादा है, PNB की और SBI की, इसलिए इन दोनों का कल ना टूटना बहुत ज़रूरी है, खासकर SBI का 300 के नीचे ना जाना और कहीं ना कहीं PNB का 170 के इर्द गिर्द घूमते रहना, तो इसलिए बैंक निफ्टी का इंडिकेशन भी कुछ वैसा ही है कि सुस्त है, कल की कल देखेंगे होता क्या है। आज जो आप बता रहे हैं ना वेटेज में, एक कोटेक और दूसरा HDFC, बस यही प्रोपेल कर रहा है, ऐसा कुछ खास बैंक निफ्टी में भी नहीं है आज। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जय कोई BTST देना चाहेंगे क्या बैंकिंग में? वेल यू नो मीर, मैं ये कहूँगा कि जो हिसाब से मार्केट में हमें एक अच्छा मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला, और जो हम बात भी कर रहे थे कि आप अभी बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में इनफैक्ट अच्छा रुझान देखने मिला, तो मैं तो इंडसइंड बैंक में ही एक BTS से जाना चाहूँगा। काफ़ी समय के बाद ये स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी, हमें एक अच्छा बाउंस देखने मिला है, 1740-45 के ऊपर ये स्टॉक निकला, सस्टेन भी हुआ उसके ऊपर। आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1780-1800 तक के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। मैं कहूँगा आइदर फ्यूचर्स में लॉन्ग करें या तो 1780 के 1760 के कॉल लें, जो मैंने पहले ही बताया, फॉर अ टारगेट ऑफ 45 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 22-23। एक दो शेयर और जरा नोटिस कीजिए, बाजार बंद होने में है 3 मिनट का समय, एक बार जरा V-Guard देखें, ये शेयर 3% ऊपर है, ये कुछ एक ऐसे अप्लायंसेस बनाता है जो आपके घर और किचन में और आपके घर में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, हेवल्स भी उसी में से ही है, लेकिन हेवल्स का दिन आज खराब है, वो डे लो पे है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर भी कोई अच्छा मूव आया है, ये भी इसी सेगमेंट से है जो कि कंज्यूमर या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट दोनों में आजकल तो खैर हेवल्स क्रॉम्पटन बट गया है। एक और शेयर है कावेरी सीड के ना, मोनसेंटो, इस पर भी कल ध्यान रखिएगा, कल हो सकता है कावेरी सीड तो आज चला लेकिन मोनसेंटो कल चल जाए, ये भी आज ब्रेकआउट की कार पे आके खड़ा हुआ है। अब जरा देख लेते हैं बाजार के आज के हीरो जीरो कौन से हैं, क्योंकि आज के मार्केट क्लोजिंग लेवल के हिसाब से तो ठीक है, और मिहिर की बात बिल्कुल लास्ट तक आज ठीक निकली, 48 घंटे पहले बात हुई थी कि लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं लगने देगा कि बाजार किस तरफ उठे किस तरफ बैठने वाला है, तो अभी आप हीरो देख लीजिए फिलहाल के लिए। तो ड्रेजिंग कॉप, कल हो सकता है नमामि गंगे को लेकर वित्त मंत्री फिर से कुछ बोल दें, इसलिए ड्रेजिंग कॉप के अंदर आज 10% की बढ़त आ गई, खैर बोले नहीं कुछ हो भी जाए तो और अच्छा लगेगा।
एस्टर इंडस्ट्रीज 9% आज फिर से ऊपर, पनेशिया बायोटेक 6.5% ऊपर है, विकास इकोस्फेयर करीब 9% ऊपर है। ये कुछ एक ऐसे शेयर हैं जो मिड कैप कैटेगरी के अंदर आज हीरो साबित हुए हैं। अब कुछ और कैटेगरी दिखाते हैं जहां पे आज का मोमेंटम दिखा, रिजल्ट्स वाले शेयर। आज ग्रेविटा इंडिया टूट गया, बीएल के नंबर्स का इम्पैक्ट नीचे आ गया है शेयर। वैसे इसका 182 में बायबैक आया था, चला नहीं है शेयर, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 190 उससे ऊपर का बायबैक होगा, ये नहीं चला 168 पे। प्रकाश इंडस्ट्रीज भी आज नहीं चल पाया, कमजोर है। रिजल्ट्स में कुछ एक और शेयर भी थे, छोटी कंपनीज थी, नौसिल, ये शेयर 4% ऊपर, करीब 1:30 बजे के आसपास इसके नंबर आए थे, उसके बाद से 4% डे हाई पे क्लोज कर रहा है। ओरिएंट बेल एक और शेयर है जो कि 2.5% ऊपर जाके आज बंद हुआ है। मार्केट में आज का रिदम जिस जिस सेगमेंट में आपको दिखा उसमें चीनी शेयर थे, सुबह सुबह इंडिकेशन मिल गया था कि शेयर चलेंगे, बजट से शायद ही कोई कनेक्शन इनका हो, लेकिन ये साइक्लिक हो सकता है या फिर साइडलाइन होके कुछ पैसा आ सकता है, यही आप समझे। फिलहाल ऐसे कुछ खबर हमारे पास तो नहीं है तो शुगर शेयर को एकदम से तस्वीर बदलती हुई दिखे। एक हाँ, हो सकता है किसानों के कर्ज माफी को लेकर कुछ स्कीम ऐसी कुछ बात आ जाए, खासकर चीनी या गन्ना किसानों को लेकर। आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली आज दिन रहा, वक्रांगी के अंदर 20% लोअर सर्किट, केपीआईटी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, एलएनटी टेक के अंदर में ब्लॉक डील के साथ ये भी 5% नीचे आ गया, हैवी सेल ऑफ विद द वॉल्यूम, एलएनटी टेक भी आज शेयर टूट गया। इसके अलावा केमिकल शेयरों में आज थोड़ी गिरावट है, यूपीएल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, फिलिप्स कार्बन टूट गया, गुजरात एल्कली ऐसे शेयर्स टूटे हैं, लेकिन यूपीएल को लेकर ज्यादातर एनालिस्ट बुलिश है। खासकर फंडामेंटल एनालिस्ट का मानना है कि एक दिन का बजट नहीं बल्कि आप इसको पूरी थीम के हिसाब से देखिए, जिसका श्री गणेश शायद कल बजट में होता हुआ दिखे। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से कल्प्रिट तो नहीं, हाँ लेकिन फिर भी इनका योगदान नहीं था मार्केट में, थोड़ा सुधार के तौर पर इन्होंने अपनी गिरावट को कम कर दिया, बस इतना ही हिस्सा था। तो अमीर आज मार्केट बंद हुआ, आज भी काफी रिकॉर्ड है, ढूंढना पड़ेगा रिसर्च से, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा कि आज कौन सा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन रिकॉर्ड ये है कि निफ्टी 11,000 के ऊपर बंद हुआ, बजट से पहले हो गया 11,000 के ऊपर बंद, लेकिन वही 10-15-20 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और आज की क्लोजिंग देखकर लगता नहीं है कि ये इतना हेविली एंटिसिपेटेड बजट है। और आपको एक्शन काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं तो अभी भी कहूँगा जो कल हमारी बात हो रही थी कि अगर एकदम बोरिंग बजट निकलता है जिसमें कोई तो अच्छा तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है ना, तो मार्केट को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज फिर आपका स्टेटस को बदलता नहीं है, आप फिर अपने हिसाब से मार्केट जो भी चल रहा है वो चलते रहेगा। तो ये लेकिन बजट से एक दिन पहले ये ज़रूर हुआ कि रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुआ, लेकिन ये वैसी रिकवरी नहीं थी कि जिससे आप बहुत काबिल तारीफ कह सकें। पर हाँ ये कह सकते हैं कि निफ्टी ग्रेसफुली 11,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, सेंसेक्स हालांकि 36,000 के नीचे बंद हुआ। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप गौरान? वेल, जो रुझान रहा है उससे मुझे नहीं लग रहा है कि बाजार को ज्यादा चिंता है बजट को लेकर के, और ना ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की छेड़खानी को लेकर के। अगर ऐसा होता मिहिर तो शायद गिरावट और तीव्र और तेज होती। लेकिन हाँ, विश्लेषण कल वित्त मंत्री साहब किस तरीके से देते हैं यूनियन बजट का, इस पर मेरे ख्याल से नज़र रहेगी। और 9 से 11 बजे के दरमियान मेरे ख्याल से एक पिक्चर देख ले छोटी सी तो बेहतर होगा। या तो आप पिक्चर देख सकते हैं या तो आप जी बिजनेस भी देख सकते हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ देखिए, अक्सर क्या होता है ना बजट की कवरेज में, कई बार क्या होता है कि सारे लोग इसी में फंस के रह जाते हैं कि अब ट्रेड कहाँ करें, इंडस्ट्री को क्या मिला, ये वाला जो एक आम आदमी होता है ना वो बेचारा ये समझना चाहता है कि मेरे जीवन में होगा क्या, बजट आएगा और जाएगा लेकिन मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा, मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो ये हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कल पूरे दिन। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन ये है गौरांग, और आप भी मेरे ख्याल से जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन क्लोजिंग जो है आज की उसे तो कम से कम एक नॉर्मल क्लोजिंग कहा जा सकता है। बिल्कुल जय, आज लेवल्स के हिसाब से और कन्विक्शन के हिसाब से आज की क्लोजिंग कमेंट। वेल, कहूँगा ये कि निम्पी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, जैसे आप भीड़ भी बता रहे थे कि ज़्यादा करके एक नॉन इन्वेंट के बड़ा मूव आए, ऐसा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स अगर मूव आया ना डिम्पी तो 2.5% से ज़्यादा नहीं आना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 11,250 मैक्स ऑन द अपसाइड और 10,750 मैक्स ऑन द लोअर साइड, ये 500 पॉइंट का ऊपर और नीचे मिलाकर एक रेंज रहेगा। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि
ऑप्शंस बेचकर चले ऊपर और नीचे के, तो आई थिंक यू नो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। 11,000 के ऊपर क्लोज करना एक डेफिनेटली एक अच्छी बात है, और अगर आप देखें तो यू नो एक यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव खुले और वहाँ से भी एक थोड़ा सपोर्ट मिला मार्केट्स में, और एशियन मार्केट्स भी काफ़ी रिकवर हुए थे। अदरवाइज मॉर्निंग में तो थोड़ा पैनिक था ही, बट स्टॉक स्पेसिफिकली मैं डिम्पी कहूँगा कि आज अच्छे खासे करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो दैट गिव्स मी सम इनसाइट के यू नो ऊपर के तरफ के लेवल्स तो एज ऑफ नाउ कैप लगते हैं, और जब तक 11,200-11,250 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं होता आई थिंक तब तक यू नो कंसोलिडेशन से वीकनेस का माहौल रहेगा थोड़े दिनों तक। ठीक है मयूरेश, आज सुबह सुबह भूकंप के झटके, शाम को चंद्र ग्रहण और उसके बाद कल LTCG का डर, आप अपने मन की बात बोलिए। मोदी साहब के मन की बात तो हम कई बार सुनते हैं, आपके मन की बात क्या है, कल बाजार में होगा क्या? मेरी मन की बात तो डिप्पी जी यही है कि बाजार आई थिंक बरकरार है और ये पोजीशन आई थिंक बुलिश ही बनी रहे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स अगर एक्सपेक्टेड लाइन पे जैसे बजट के अनुमान लगा रहे हैं वैसे ही बजट रहा, और मैं मीर जी से सहमत हूँ, इफ़ नथिंग कम्स थ्रू विच इज़ डिट्रीमेंटल फॉर द मार्केट्स आई थिंक कहीं ना कहीं एक रिस्पाइट रैली जरूर देखने मिलेगी। वैल्यूएशंस वगैरह बाद में मार्केट सोचेगा, बट एटलीस्ट आई थिंक रिलीफ रैली इज नॉट रूल्ड आउट, और अगर आता भी है तो आई थिंक जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक वॉट एवर इज सराउंडिंग LTCG और STCG आई थिंक वन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस रिलेटेड टू द मार्केट ऑन दैट। आई थिंक होल्डिंग पीरियड अगर बढ़ती है LTCG के लिए और इम्पोजिशन नहीं आता तो द मार्केट्स माइट टेक इट इन दैट स्ट्राइड, अगर कुछ इम्पोजिशन आता है आफ्टर अ सर्टन कट ऑफ डेट तो जैसे मैं कह रहा था आई थिंक एक झटका जरूर लगेगा मार्केट को, बट अगेन आई थिंक वन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक अर्निंग्स प्राइवेट कैपेक्स यही मार्केट्स को सपोर्ट करेगा, और गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आई थिंक काफ़ी तगड़े हैं, तो जो तीन थीम्स हम वर्कआउट कर रहे हैं वो तीन ए है, क्योंकि सरकार आई थिंक थीम्स में बात करती है, एग्रीकल्चर एंड रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा फोकस रहेगा, तगड़ा फोकस रहेगा, और ये थीम्स को अगर फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और मार्केट डिक्लाइन होता है तो आई एम प्रीटी श्योर पैसा अच्छा खासा बन सकता है अगले 1 से 1.5 साल। ठीक है, वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे LTCG STCG की ही सबसे ज़्यादा चर्चा में शब्द है, और इसके बारे में आप मार्केट का सरोकार आपसे क्या इसका जीवन में सरोकार है ये बात करेंगे, और कल की शायद तैयारी बॉर्नविटा पी के करनी होगी कल, क्योंकि स्विंग शायद बड़ा हो सकता है। स्विंग तो बड़ा होगा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई मार्केट में जिसका डर है मार्केट को तो डेफिनेटली बड़ा स्विंग होगा, लेकिन हम रहेंगे आपके साथ, कोशिश यही करेंगे कि आपका फ़ायदा होते रहे चाहे बाजार जैसा भी हो।